कहते हैं कि टाइगर तो जंगल में हो या फिर जू में या फिर भीड़ होती है, तो आइए जानते हैं कि टाइगर जयराम महतो भीड़ है और लोग इन्हें प्यार से टाइगर क्यों बुलाते हैं। देखिए, किसी को अगर मान लीजिए कोई नाम से संबोधन है, एक एक आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा, हम लोग जैसे निक नेम बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सबको नौठा नाम बोला जाता है। उनको शुरू से लोग टाइगर टाइगर बोला, उनका नाम तो आज उन्हीं से पॉपुलर हुए, तो जाहिर सी बात है टाइगर जय। इतना भीड़ कैसे जुटा पा लेते हैं जी? इतना भीड़ कैसे जुटा पा लेते हैं? नहीं, ये तो है, उनका प्रभाव है, उनका स्टाइल है। झारखंड की राजनीति बदलाव की ओर देख रही है और उनका जो विजन है, कई विजन की वजह से लोग खास करके युवा वर्ग उनसे जुड़ रहा है। वो कहीं भी रहे, जंगल में कार्यक्रम करे या शहर में कार्यक्रम करे, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए और उनके बातों को अपने लाने के लिए उनके लिए लोग जुड़ते ही जुड़ते हैं। किन्हीं को ना गाड़ी देने की आवश्यकता है, ना खाना देने की आवश्यकता है, ना पेट्रोल देने की आवश्यकता है। ये लोग जो आए हैं अपनी स्वेच्छा से आए हैं या फिर इनको पैसे दे के बुलाया गया? बिल्कुल, सभी लोग स्वेच्छा से आए। कोई अगर वैसा रहता तो आप ट्रेकर देखते हैं, बस देखते हैं, बाइक इतना नहीं देखते, या फिर जो जिन जो सक्षम है वो अपना कार से आए। लेकिन अधिकतर लोग आप यहाँ बहुत सारे लोग विधानसभा से भी लोग मिलेंगे, कुछ लोग और रामगढ़ का सबसे लास्ट सिरका से भी लोग मिलेंगे। सिरका से लोग बाइक से आए, आप समझ सकते हैं कि लगभग 40-50 किलोमीटर दूरी तय करके उनको सुनने के लिए, टाइगर जयराम महतो को सुनने के लिए इतना दूर से लोग आए। आपने विजन की बात की, तो विजन तो जब झारखंड अलग होने की बात की थी तो उसमें भी JMM थी, उनके साथ जो भी पार्टी थी उनका भी विजन यही था कि झारखंड का अधिकार मिले। लेकिन अब क्या जरूरत आन पड़ी है कि अब टाइगर जयराम महतो अब इस भीड़ में भी वो भी शामिल हो गए? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, उस समय का जो परिस्थिति थी, झारखंड को अलग करना था, अलग हुए। हमारे गुरु जी शिबू सोरेन, टेकलाल महतो, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, एक लोग नेतृत्व में झारखंड राज्य अलग हुआ। लेकिन जो उन लोगों ने परिकल्पना किया था कि हमारे अपने झारखंडियों को सही सम्मान मिले, सही रोजगार मिले, वो चीज आज 20-22 वर्ष हो गए अलग हुए, लेकिन वो चीज परिपूर्ण नहीं हो सका। राजनीतिक पार्टियां उनके गुरु जी के जाने के बाद राजनीतिक चाहे JMM हो, आंसू हो, उनमें कोई वो इच्छा शक्ति आपकी वर्तमान समय में नहीं है। इसीलिए सब एक उम्मीद की नजर से टाइगर जयराम महतो को देख रहे हैं कि वही हमारे भविष्य को सुधार सकते हैं, वही झारखंडी लोगों को असली हक अधिकार दिला सकते हैं। अगर टाइगर जयराम महतो अगर कल की जैसे कि आज JMM का जो हाल है और कल का अगर यही हाल JBKSS का हो गया तो देखिए, ये भविष्य तो भविष्य का घर में जो किसी का भी हो, वो भविष्य को अभी नहीं कहा जा सकता। और निश्चित तौर पर जो कल्पना नहीं, एक मतलब अभी इसमें ईमानदारी है, निश्चित तौर पर ये जो एक जमीन से उठा हुआ आदमी रहता है वो इतना बेईमान कभी नहीं हो सकता।